में दियों की रोशनी हो, मिठाइयों की मिठास हो, पटाखों की बौछार हो, सुख की बरसात हो और धन से बरकत आए, इसी कामना के साथ मनाया जाता है धनतेरस का त्यौहार। नमस्कार, मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी को मेरी और BCN की संपूर्ण टीम की ओर से BCN न्यूज के बरकत दिवाली के तहत धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशियों, रंगोलियों, रोशनियों का त्यौहार दिवाली, जिसकी शुरुआत धनतेरस की आगमन से शुरू हो जाती है। धनतेरस इस 5 दिन के दीपावली का पहला दिन होता है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस को पारंपरिक रूप से धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, धनतेरस का अर्थ धन और समृद्धि का उत्सव है। देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान अन्य खजानों के साथ उभरी थी। इस प्रकार यही कारण है कि धनत्रयोदशी देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी और दुनिया के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है। लोग देवी लक्ष्मी से एक समृद्ध जीवन, इच्छाओं की पूर्ति और उनके परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। वही कुबेर देव को धन का देवता कहा जाता है। उन्हें पृथ्वी लोक पर मौजूद समस्त संपदा का स्वामी भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुबेर कुंजी की स्थापना करने से कुबेर देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन कुबेर देव का आशीर्वाद मिलने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस केवल वित्तीय धन के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक समृद्धि और पारिवारिक संबंध के बारे में भी है। भगवान धन्वंतरी हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान उभरे। एक हाथ में अमृत से भरा एक कलश, अमरता प्रदान करने वाला एक आयुर्वेदिक हर्बल मिश्रण और दूसरे हाथ में आयुर्वेदिक के बारे में पवित्र पाठ था। उन्हें देवताओं का वैद्य माना जाता है। भारतीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने के अपने निर्णय की घोषणा की, जिसे पहली बार 28 अक्टूबर 2016 को मनाया गया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन को एक और प्राचीन कथा ऐसे भी बताई जाती है कि धनतेरस का त्यौहार मृत्यु के देवता भगवान यम से भी जुड़ा है। इस अवसर को राजा हिमा के 16 वर्षीय पुत्र के बारे में एक दिलचस्प कहानी बताती है। ऐसा कहा जाता है कि राजा हिमा के पुत्र के कुंडली में उनकी शादी के चौथे दिन सर्प दंश से उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी। उस खास दिन उसकी नवविवाहिता पत्नी ने उसे सोने नहीं दिया। उसने अपने सारे गहने और सोनी चांदी के बहुत से सिक्के शयन कक्ष के द्वार पर ढेर में रखे और बहुत से दीपक जलाए। फिर उसने अपने पति को अगले दिन गिरने से बचाने के लिए कहानियां सुनाई और गीत गाए। जब यम मृत्यु के देवता एक सर्प की आड़ में राजकुमार के दरवाजे पर पहुंचे, उनकी आंखें दियो और गहनों की चमक से चकाचौंध और अंधी हो गई। यम राजकुमार के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए वे सोने के सिक्कों के ढेर के ऊपर चढ़ गए और पूरी रात वहीं बैठकर कथा और गीत सुनते रहे। सुबह वह चुपचाप चला गया। इस प्रकार युवा राजकुमार अपनी नई दुल्हन की चतुराई से मृत्यु के चंगुल से बच गए और वह दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन नई चीजें खरीदने और कीमती सामान घरों में लाने की भी प्रथा है। यह बताते हैं कि देवी लक्ष्मी स्वयं पूरे वर्ष के लिए धन और समृद्धि लेकर घर में आई है। इस दिन खरीदी गई कीमती धातुओं को सौभाग्य के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। धनतेरस के दिन सोना, प्लैटिनम और चांदी जैसी कीमती धातुओं में निवेश करने के लिए यह एक अनुकूल दिन है। इसके बाद से यह दिन व्यापारियों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो इस दिन सोना, चांदी या अन्य कीमती धातु खरीदते हैं। आमतौर पर लोग धनतेरस के दिन निवेश करने या सोने की छड़े आभूषण खरीदने के लिए पसंद करते हैं। वे इस दिन नए कपड़े की खरीदारी भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई कोई भी खरीदारी समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। परंपरागत रूप से महिलाएं इस दिन सोना, प्लैटिनम या चांदी के आभूषण खरीदती है। कम से कम घर संभालने वाली स्त्री अपनी रसोई के लिए स्टील, पीतल,
और तांबे के नए धातु के बर्तन खरीदती है। इस दिन धातु का दान करना भी शुभ माना जाता है। दिन में उपकरणों और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल की भी खरीदारी देखने को मिलती है। हर तरह से दिन की भावना का उद्देश्य धन और समृद्धि बढ़ाना है, जिसे अनुकूल माना जाता है, चाहे निवेश कुछ भी हो। अधिकांश लोग इस दिन दिवाली के लिए सभी खरीदारी पूरी करते हैं। दीप जले तो रोशन आपका जहां हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो, माँ लक्ष्मी जी की कृपा बने रहे आप पर, इस धनतेरस बरकत आए आपके जीवन में और आप बहुत खुशवान हो। इसी शुभकामना के साथ मैं क्षितिजा लेती हूँ आपसे विदा। फिर एक बार आपको मेरी और BCN की संपूर्ण टीम की ओर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।